नमस्कार, मैं राधिका आज आपके साथ योग के विषय में कुछ चर्चा करूंगी। लेकिन उससे पहले मैं तहे दिल से सर का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी जिन्होंने मुझे यह अपॉर्चुनिटी दी, जिससे मैं आज आपके सामने अपने विचारों को और अपनी बातों को रख पा रही हूँ। जिस प्रकार वह क्या कहते हैं, कभी अपने मेमोरी जीनियस नाम के चैनल के माध्यम से हो या फिर अलग अलग कोर्सेज के माध्यम से हो, मुझ जैसे लाखों युवाओं के जीवन के जीवन में फैले हुए अंधकार को अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से प्रकाशित कर रहे हैं सर। उसके लिए मैं अपने और अपने लाखों युवा भाई बहनों की तरफ से आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। तो अब अपने आज के विषय की ओर आगे बढ़ते हुए उसको शुरू करेंगे। आज टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी ने ना हमारे जीवन को बहुत आसान बना दिया है। आपके मेरे हम सभी का जीवन काफ़ी आरामदायक हो गया है। लेकिन आज हम जैसे जैसे लोगों के साथ पूरी दुनिया के साथ जुड़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे हमारी खुद के साथ जो दूरी है वो बढ़ती जा रही है। हम दुनिया से कनेक्ट हो रहे हैं लेकिन खुद के साथ डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, जिसके कारण डिप्रेशन, तनाव, चिंता जैसी अनेक तरह की क्या कहते हैं अनेक तरह की समस्याओं ने हमें घेर लिया है। ऐसा नहीं है पहले मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं थी, इतनी एडवांस मॉडर्न टेक्नोलॉजी ना होते हुए भी लोग इतने बड़े बड़े आविष्कार करते थे। जिम नहीं होता था लेकिन शारीरिक रूप से इतने ज़्यादा तंदुरुस्त थे, मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से हमसे कई ज़्यादा एडवांस थे वो लोग। क्यों? क्योंकि वो खुद से जुड़े हुए थे। लेकिन आज हम भाग दौड़ में इतना ज़्यादा व्यस्त हो गए हैं। आज हमें सब कुछ इंस्टेंट, एक बटन पे, एक क्लिक पे चाहिए, जिससे हम खुद के साथ अपनी दूरी, अपना डिस्टेंस बढ़ाते जा रहे हैं। अब क्या लेकिन इसका उपाय क्या है? इसका एक उपाय है जो सदियों से चला आ रहा है और जिसे मैं उसको एक जादुई दवाई का नाम दूंगी। और उस जादुई दवाई को आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, जिसके द्वारा आप अपने खोए हुए आत्मविश्वास को वापस पा सकते हैं, साथ ही साथ आप अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। और उस जादुई दवाई का नाम है योग, जिससे ना सिर्फ आप अपना शारीरिक विकास कर सकते हैं बल्कि अपने आप को अपना मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक विकास भी कर सकते हैं। योग से आप अपने जीवन में शांति और संतुलन को बनाए रख सकते हैं। हाँ, जिम आजकल वो जिम का बड़ा ट्रेंड चल रहा है। जिम आपकी मांसपेशियों को एकदम मजबूत कर देता है, ठीक है, और काफ़ी हद तक बहुत थोड़े हद तक आपको मानसिक रूप से भी आपको थोड़ा बहुत बेनिफिट दे देता है। लेकिन यदि आपको अपना पूर्ण विकास, अगर आप एक पूर्ण विकास का एक कोई माध्यम ढूंढें तो वो सिर्फ योग ही है। तो आज चलिए हम योग से होने वाले फायदे के विषय में चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं योग से होने वाले शारीरिक फायदे। योग हमें हजार तरह की बीमारियों से बचाता है, जैसे डायबिटीज हो गई, क्या कहते हैं बीपी हो गई, और क्या कहते हैं थायराइड जैसी अनेकों बीमारियों से हमारी रक्षा करता है। साथ ही साथ योग हमारी ऐसी बीमारियों से भी रक्षा करता है जिसके इलाज आज भी हमारे विज्ञान के पास नहीं है। योग हमारी मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, शरीर में लचीलापन लाता है और आपको एक सुंदर और आकर्षक शरीर प्रदान करता है। योग के माध्यम से आप सेल्फ कॉन्फिडेंस को दोबारा अचीव कर सकते हैं। योग आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को काफ़ी स्ट्रांग रखता है। अब योग से होने वाले मानसिक और भावनात्मक फायदों की बात करेंगे। योग आपके स्ट्रेस रिलीफ में आपकी बहुत सहायता करता है। योग के माध्यम से आप ओवरथिंकिंग और अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं। योग आपको डिप्रेशन जैसी जटिल और बहुत खतरनाक तरीके की बीमारी में आपके लिए एक रामबाण साबित हो सकता है। योग आपकी क्रिटिकल थिंकिंग को स्ट्रॉन्ग करता है, साथ ही साथ आपकी डिसीजन मेकिंग स्किल को भी इन्हेंस करता है, आपके सेल्फ स्टीम को बढ़ाता है। अब आते हैं योग से होने वाले आध्यात्मिक फायदे। अब योग से होने वाले आध्यात्मिक फायदों को बताया तो नहीं जा सकता, लेकिन हाँ मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि जब हम खुद से कनेक्ट होते हैं ना, जब हम खुद से जुड़ते हैं ना, तो उससे जो हमें प्लेजर तो नहीं कहूँगी पर आनंद मिलता है, वो बाहर किसी चीज़ में हमें कभी मिल ही नहीं सकता है। तो एट द एंड मैं आपसे बस इतना ही कहूँगी कि आप योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए और अपने जीवन को एक नई दिशा दीजिए और अपने परिवार के और समाज के विकास में सहायता करके एक अच्छा और हेल्दी इन्वायरमेंट क्रिएट करें। धन्यवाद।